बिष्टान थाना क्षेत्र के ग्राम बाड़ी में बेरोक टोक चल रही नशाखोरी के खिलाफ महिलाओं ने विरोध के स्वर मुखर किए हैं। मंगलवार को बड़ी संख्या में महिलाएं कलेक्टर और एसपी कार्यालय पहुंची। यहां शिकायती आवेदन देकर नाराजगी जताई कि बार बार समझाई इसके बाद भी गांव में शराब कारोबारी बाज नहीं आ रहे हैं। गांव के युवा बुजुर्ग यहां तक कि बच्चे भी शराब की लत में डूब चुके हैं। यदि शराब की बिक्री बंद नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। एसपी ऑफिस पहुंची महिलाओं ने एएसपी तरुणन सिंह से मुलाकात कर बताया कि गांव में करीब आधा दर्जन दुकानों पर देशी विदेशी शराब बिक रही है। इसके अलावा गांव की सीमाओं पर नदी नालों के समीप अवैध शराब भट्टियां भी चल रही है। नतीजतन आसानी से शराब मिलने के कारण गांव के पुरुषों के साथ बच्चे भी नशे की लत में डूब रहे हैं। इस नशाखोरी से गांव की शांति भी भंग हो रही है। एएसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए महिलाओं से चर्चा के दौरान ही बिष्टान थाने पर संपर्क किया और थाना प्रभारी को निर्देश दिए कि गांव में शराब बेचने वालों के ठिकानों पर दबिश दी जाकर शराब बिक्री पूरी तरह बंद कराई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। क्या करने जाओगे अगर शराब बंद नहीं होगी? अगर शराब नहीं बंद होगी तो सब महिलाएं एकजुट होके सब हम गांव का पूरा रोड पे हड़ताल ये भी करेंगे, रोड भी बंद करेंगे। अगर नहीं होगी तो और आएंगे डबल और हम और आगे जाएंगे। जहां तक जाना होगा वहां तक हम जाएंगे। भोपाल जाना पड़ा तो भोपाल भी जाएंगे। और सब हमारी ग्राम बाड़ी खुर्द तहसील भगवानपुरा की महिलाएं हैं। हमारे गांव में कई वर्षों से अवैध शराब बिक रही है। कच्ची शराब, पक्की शराब, देसी गांजा सब बिक रहा है, जिसको पीकर बड़े तो ठीक है, गांव के बच्चे भी बिगड़ रहे हैं। इसके लिए गांव में महिलाओं ने और तीन बार पंचायत बिठा चुके, लेकिन फिर भी कोई हल नहीं निकला। उस सारी समस्याओं को देखते हुए सभी महिलाएं एकत्रित होकर कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, उसके बाद अभी एसपी साहब को ज्ञापन दिया कि अवैध रूप से बिक रही शराब पर कार्रवाई हो, बंद हो और बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। क्या प्रभाव यह है कि एसपी साहब ने तुरंत अभी थाना बिस्टान में फोन लगा के कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और साथ में महिलाओं ने भी यह निर्णय लिया है कि अब से जो भी गांव में अवैध रूप से शराब बेचेगा उस पर 30,000 रुपये जुर्माना है और जो शराब पीकर गाली गलौज करेगा, महिलाओं को अपमानित करेगा, उस पर 5,000 रुपये अर्थदंड है। कितनी जगह दुकानों पे शराब बिक रही है? हमारे गांव में कम से कम 5 से 6 जगह पे शराब बेच रहे हैं और आसपास के क्षेत्र में मतलब राजस्व सीमा में शराब की 3-4 भट्टियां भी हैं। क्या नाम? मेरा नाम अमित सिंह पमार, ग्राम बाड़ी खुर्द। गाँव में कच्ची पक्की सब शराब बिक रही है ना, और जो भी है 5-6 दुकान भी है। हम एक हफ्ते से परेशान भी हो रहे हैं। कच्ची पक्की दारू भी सब पूरा गांव हमने पकड़ी भी, उनका घर से दारू निकाली भी और 3 बार हमने गांव पंचायती भी बैठाड़ी, तब भी नहीं गांव में समाधान कहीं नहीं हुयो। एकासे हम खरगोन आया, कलेक्टर ऑफिस भी गया, एसपी साहब के पास भी इलाज है और अभी गाँव में मतलब क्या आपको क्या परेशानी आ रही शराब? हमको परेशानी ये है घर, हर डेढ़ घर में मतलब एक घर में नहीं ऐसी शांति है कि हर घर में सब जन शराब पी के आ रहे, छोटे बड़े बच्चे सब पे असर पड़ रहा है, सब परेशान हो रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई पे भी असर पड़ रहा है, बच्चे पढ़े भी नहीं कर पा रहे हैं और महिलाएं भी बहुत परेशान हो रहे घर डीट में। अभी भी महिलाएं इतनी सब जन आई है, मजदूरी छोड़ के आई है यहाँ पर। और अभी भी क्या मांग करते हैं आप? हमारी यही मांग है कि गांव में शराब बंद करो, कच्ची पक्की जो भी है, गांजा भंग जो भी है सब पत्ते वाले हैं। मेरा नाम सलोनी सिसोदिया है, बाड़ी खुर्द से हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।